इलाहाबाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी इलाहाबाद द्वारा पुलिस लाइन सभागार में परेड ग्राउंड में हुए अपहरण की घटना का 24 घंटे में खुलासा हुआ। मिर्जापुर पटरी सरकारी अस्पताल में जमे पिछले 20 सालों से फार्मासिस्ट इन दिनों लूट सपोत लूट लो की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। जी हां, हम खुद ही समझे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आखिर सरकारी योजनाओं का खुल के बंदरबाट क्यों ना करें। भला यहां जमे कई वर्षों से कर्मचारी, उनको पता हो गया है कि सेटिंग से करोड़ों कमाया जा सकता है और यहाँ वही हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसी परिस्थितियों में जो है, ये वीडियो हमको कल शाम को प्राप्त हो गया है। अब उसके जो है परीक्षण में स्वयं करूंगा इसका, और फिर इसके बाद जो है यदि सही प्रकरण पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो अपने स्तर से की ही जाएगी, और फिर जो है इसमें हम जो अनुमति दे देंगे जो है पुलिस को कि उसके विरुद्ध FIR करके जांच करके जो भी कार्रवाई उसको करें। बोले अभी नहीं आया, देखे पर्चा देखे तो नहीं आया था। बोले रुको दो मिनट देता हूँ। तो मैं वहाँ खड़ा होकर देखा तो सब लोग पैसा, मतलब जो जो दवा ले रहे थे वो लोग पैसा ले रहे हैं, पैसा दवा दिया पैसा ले रहे हैं, दवा दिया पैसा ले रहे हैं। शराब के खर्चे कम करो और बच्चों को पढ़ाओ, इसका किया जा रहा है प्रचार। विवाहों पर भी कम खर्च करें की सलाह दी जा रही है। अक्सर डीजो पर झगड़ा हो जाता है, यहाँ तक लोग हत्या जैसे अपराध करने से नहीं चूकते। संत ने कहा कि सभी पापों की मां शराब होती है और सभी लोगों से इसको छोड़ने का आग्रह किया। अब तक ये संत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मुहिम चला चुके हैं, अब आंदोलन राजस्थान में प्रवेश कर चुका है। इन बदमाशों के कब्जे से 5 असला बरामद हुए। ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। दरअसल फोर्ट स्टेशन की GRP को खबर लगी थी कि एक नंबर प्लेटफार्म पर 2 संदिग्ध खड़े हैं। इसी सूचना पर GRP ने दोनों की तलाशी ली तो दोनों के कब्जे एक रिवॉल्वर और 4 तमंचे बरामद हुए। GRP के मुताबिक पकड़े गए दोनों बदमाश बेहद शातिर किस्म के हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही दोनों को धर दबोचा। 5 असलहे इनके पास से बरामद हुए हैं, जिनमें एक रिवॉल्वर है और 4 तमंचे हैं। ये सभी कंट्री मेड हैं और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक का नाम है दानिश और एक का नाम है शाकिर। इनमें से एक व्यक्ति अभी से कुछ दिन पूर्व जनपद आगरा में ही न्यू आगरा थाना क्षेत्र में एक डकैती घटना कारित हुई थी, उसमें ये व्यक्ति जेल गया था। और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।